नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया। काव्य संग्रह सरोज दुबे द्वारा रचित है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा भी उपस्थित रहीं। वहीं सरोज दुबे ने बताया कि इससे पहले भी उनकी लिखी दो बुक सरोज की कुंडलियां और सरोज के नौ गीत प्रकाशित हो चुकी हैं। सरोज गृहिणी हैं, उन्हें साहित्य में रुचि है। मुख्यमंत्री ने के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। नगरीय चुनाव का बिगुल बजने के बाद प्रचार प्रसार और नामांकन का दौरा जारी है। इसी क्रम में बीजेपी महापौर प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। वहीं नामांकन दाखिल कर अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके इस प्रेम से अभिभूत हूँ और अपने इस आशीर्वाद को बनाए रखें। आज चूंकि यहाँ पर भाजपा महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया गया था, जिसके लिए पूरे शहर में काफ़ी उत्साह था और सभी लोग यहाँ पर सभाओं का सहयोग और मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। और 20-25 हज़ार लोग जो भी आए थे, मैं सब उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से हम लोग का सहयोग करते रहिए और हम लोग मनोबल बढ़ाते रहिए। नगरीय निकाय के चलते बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। पूरा मामला छतरपुर जिले का है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी से नजर आ रहे हैं। दरअसल छतरपुर में लाल शिवहरे और गीता गोस्वामी नाम के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी पर नेताओं के परिजनों को प्रत्याशी टिकट देने का आरोप लगाया है। गीता गोस्वामी ने कहा कि जो नेताओं की चापलूसी करते हैं, उन्हें ही टिकट दी जा रही है। खास बात यह है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से नेताओं के परिजनों को टिकट ना देने की बात कही थी। देपालपुर के गौतमपुरा नगर परिषद के 15 वार्डों के लिए 47 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करवाए। वहीं कई अभ्यर्थियों ने निर्दलीय फॉर्म जमा कर रहे हैं। आगामी 22 जून को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। बता दें, इस बीच रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेता मशक्कत करते दिख रहे हैं। पार्षदों के लिए जो नामिनेशन पत्रों की प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी, आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस तक टोटल 47 नामिनेशन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें वार्ड वाइज इस प्रकार है। वार्ड क्रमांक 1 से 2 अभ्यर्थी, वार्ड 2 से 4, वार्ड 3 से टोटल आए हैं। वार्ड 3 से हमारे 2, वार्ड 4 से है 2, वार्ड 5 से 3, वार्ड 6 से 3, वार्ड 7 से 3, वार्ड 8 से 3, वार्ड 9 से 2, वार्ड 10 से 3, वार्ड 11 से 2, वार्ड 12 से 6, वार्ड 13 से 3, वार्ड 14 से 3 और वार्ड 15 से 3। अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां तेलीबांधा के सूरज नगर लाभांडी मकान में अवैध रूप से गैल रिफिलिंग कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस ने 72 गैस सिलेंडर और वॉल्यूम मशीन बरामद की। आपको बता दें कि आरोपी घरेलू सिलेंडरों से कमर्शियल गैस सिलेंडर में गैस डालने का काम करते थे, जिससे उन्हें 600 रुपये का फायदा होता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। सूरज नगर लभांडी तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत कल सूचना प्राप्त हुई थी कि घरेलू गैस सिलेंडर्स लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के रूप में उसकी रिफिलिंग की जा रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। आरोपी संदीप जैन के पास से 70 गैस सिलेंडर और 2 वॉल्यूम मशीन जो है वो बरामद की गई है, और उसके विरुद्ध 3-7 EC एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्य निर्वाचन आयोग की नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन कार्यालयों में जमा होने लगे हैं। इधर बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि चंदेरी तहसील में नगरीय निकाय चुनाव के 21 वार्डों के लिए पर्चे भरे जा चुके हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख थी, जिसके चलते पूरे दिन नामांकन कार्यालयों में भीड़ लगी रही। 11 में जो परेशानी है, कमी है जनता की, उसको दूर करने के लिए वार्ड वासियों के कहने पर ही हमने फार्म भरा है। जैसे विशेष योग्यता बताएं, किस तरह से आपने भरा? विशेष योग्यता ये कि वार्ड वालों ने हमें चुना है, विधायक जी ने जो और लोग फार्म भरे थे उनमें हम लोगों को हमें योग्य समझा, इसलिए उन्होंने हमें टिकट दे दी।
कटनी से महापौर प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित का समर्थन करने पहुंचे विजय राघवगढ़ विधायक ने मीडिया के सामने दावा करते हुए कहा कि ये चुनाव इतिहास बनने जा रहा है। ज्योति विनय दीक्षित रिकॉर्ड 51,000 मतों से जीतेंगी। यहां के मतदाता पीएम मोदी और राहुल गांधी का मूल्यांकन के आधार पर मतदान करेंगे। हम कांग्रेस की जमानत जब्त कराकर जीतेंगे। चुनाव में हम आए और आज के जुलूस और रैली को देख के आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हज़ारों लोग जब घर घर से निकल के आए, आज आपने देखा होगा कोई गाड़ी किसी को नहीं दी गई, सब अपने स्कूटर मोटरसाइकिल पैदल झंडा लेके जहाँ जहाँ से जिस गली से देखो तो उस गली से लोग निकल रहे थे। तो ये उत्साह अलग दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और महापौर के प्रत्याशी के प्रति। पूरे 45 वार्डों के जो पार्षद का चयन किया गया है वो बहुत सोच विचार करके सबकी राय में किया गया। उसी का ये सुखद परिणाम है कि आज हजारों लोगों का हुजूर कटनी की सड़कों से एक एक गली से निकल के कलेक्ट्रेट पहुंचा है। और मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज मेरे शब्द आप लोग इसको जरूर सुरक्षित करके रखिएगा इस टेप को। कांग्रेस के लोग, उनके पीछे खड़े लोग इसका मूल्यांकन करेंगे आप नगर के लोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक की गई जिसमें केंद्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मंदिरों से सरकार को जाने वाले फंड पर रोक लगनी चाहिए। सरकार न मंदिर मस्जिद चलाती है, ना ही गुरुद्वारा या चर्च, लेकिन देश की बहुत से ऐसे राज्य हैं जो मंदिर का संचालन करते हैं और उनके लिए अवसर भी नियुक्त किए जाते हैं। इसीलिए मंदिर का पैसा सरकार में जमा नहीं होना चाहिए। कोई मंत्री या बाबू ये तय नहीं कर सकता कि मंदिर क्या करे। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की साल में 2 बार दिसंबर और जून में बैठक आयोजित की जाती है। हम लोगों ने ये अभियान चलाया है कि लव जिहाद को रोकना चाहिए, अवैध धर्मांतरण को रोकना चाहिए। जो धर्मांतरण लालच से होता है, धोखे से होता है, वह गलत है। इसके लिए बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाया है। जहाँ कानून बनाए वो सख्ती से लागू हो और जहाँ कानून नहीं बनाए वहाँ बने, केंद्र भी बनाए, इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न करें। खबर मंदसौर से है जहां भानपुर तहसील की ग्राम पंचायत गांधी सागर से सरपंच पद के उम्मीदवार मनीष परिहार को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रत्याशी ने बताया कि गांव में अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। अगर गांव की जनता मुझे सरपंच पद के लिए चुनती है तो गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से वोट देने की अपील की। परिहार को गांधी सागर ग्राम पंचायत के लिए अपने प्रत्याशी इसलिए बनाया कि वो सबकी सेवा करे और यहाँ जो समस्या है पानी जल यल योजना, गांधी सागर बांध होते हुए भी यहाँ समस्या का आभार है। आज तक पूर्व सरपंचों ने किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और मनीष जी परिहार इस ओर ध्यान देंगे। एक अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, इसलिए पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर मनीष जी परिहार को इस योग्य समझा और खड़ा करा और भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गांधी सागर की आम जनता ने मुझको प्रेरित किया है इस पद की ओर कि भैया आपको अच्छे कार्यों के आप करवाने की आपका कार्य है, आगे भी इसी तरह से आप कार्य करवा रहे हैं अगर पद पे आते हैं तो मैं उनकी भावनाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और जन जन की जो आवाज़ है उसको उठाकर उनके कार्य पूरे करवाने का पूरा संकल्प लेता हूं। अगर आता हूं तो पूरा संकल्प लेकर उन कार्यों को करवाऊंगा। दुर्ग सांसद विजय बघेल भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे जहां उन्होंने प्लांट की सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और प्लांट की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और चाक चौबंद होना जरूरी है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई समझौता न करें। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगे ग्राम रोहना कला के शंकरगढ़ के रहने वाले शहीद भारत यदुवंशी का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीर 47 रेजिमेंट के जवान और जबलपुर आर्मी से पहुंचे अधिकारी सहित 20 सैनिक की बटालियन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद भारत यदुवंशी भारतीय थल सेना की 47 रेजिमेंट में सैनिक के पद पर पदस्थ थे। वहीं बीते दिनों बारामूला सेक्टर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के दौरान हैंड ग्रेनेड फटने से वे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। सेना के स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान भारत शहीद हो गए।
ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की 164वीं वर्षगांठ पर दो दिवसीय बलिदान मेले की शुरुआत हुई। मेले के शुभारंभ करते हुए पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया अपने हाथों में शहीद ज्योति लेकर पहुंचे, जहां शहीद ज्योति को वीरांगना की बलिदान स्थली पर स्थापित किया। आपको बता दें कि बीते 22 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार झांसी दुर्ग से चलकर शहीद ज्योति ग्वालियर पहुंची, जिसकी अगवानी बलिदान मेला के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने की, जहां सैकड़ों देशभक्त जय घोष के साथ वीरांगना की समाधि पर पहुंचे। यहां पुष्प वर्षा के साथ संस्थापक अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, सांसद विवेक नारायण शेजलवाड़कर ने मशाल को बलिदान बेदी पर स्थापित किया। मेले को लेकर पवैया ने कहा कि शहीद ज्योति यात्रा रानी की पुण्य आत्मा का प्रतीक है, जिसका हम फूल की पंखुड़ियां बिछाकर नमन करते हैं। गौरतलब है कि आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में 75 दीप जलाकर 1857 के शहीदों को दीपांजलि भी दी गई। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना अंतर्गत पिकअप दुर्घटना ग्रस्त से पूरे जिले में शोक की लहर है। वहीं शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ने जिले वासियों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि दोबारा जो विदारक घटना ब्योहारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है वो दोबारा ना हो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वंदना वैद्य ने जिले वासियों से अपील की, कभी भी यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें, ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग वाहन में ना बैठें, वहीं हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, साथ ही मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं। मैं वंदना वैद्य, कलेक्टर शहडोल, अपने जिले वासियों से अपील करती हूं कि कल जो हृदय विदारक घटना हुई है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हमें सख्त कदम उठाना है। कभी भी ट्रैफिक नियम का वायलेशन ना हो, ओवर स्पीडिंग वाहन में ना बैठें, ओवर लोडिंग वाहन में ना बैठें। आप टू व्हीलर पे हैं तो हमेशा हेलमेट लगा के चलें, कभी शराब पीकर ना चलें, और हमेशा यातायात नियमों का जब आप पालन करेंगे तो कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सब हमेशा चूक जाते हैं और हमेशा देखते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी कभी ना चलाएं। शाजापुर के गांव जाई हेड़ा के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते का निराकरण नहीं तो वोट नहीं। रहवासियों ने बताया कि हमें रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है, सड़क नहीं होने से हमें आने जाने में परेशानी होती है, इसके बावजूद भी आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। यदि रास्ता नहीं तो वोट नहीं, वही जो सरपंच उम्मीदवार रास्ता बनवाएगा उसे ही हम जिताएंगे। रास्ता नहीं, हमें रास्ता चाहिए, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, लिकड़ा की बाट नहीं है हमारे, और जो बाट देगा ओके ही वोट दांगा। कब से नहीं है रास्ता आपको? ये बहुत दिन हो गया, पहला थे रास्ता पर अब बंद हो गया, वो लोगों ने बंद कर दिया, लोगों ने बंद कर दिया गांव के वाले ने। हाँ तो रास्ता चाहे हमारे, सब लोगों ने के खोलाड़ दा रास्ता नहीं खुले हमारो, अभी तक कोई ने नहीं खुलवाया, और हमारे लिकड़ा की बाट नहीं, समस्या अभी जो कई बोले मुख्यमंत्री मणि योजना तो वहाँ गाँव में ले जाता है तो दिन। दुर्ग पुलिस ने बंटी बबली बनकर ज्वेलर्स को लूटने वाले दो जोड़ों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आरोपी महिला बंटी उर्फ सुनीता ज्वेलर्स की दुकान पर सोने का सामान खरीदने जाती और फिर नकली सोने से एक्सचेंज के बदले में असली सोना ले आती। जब दुकानदार उस सोने को चेक कराते तो सोना नकली पाकर उनके होश फाकता हो जाते हैं। आरोपी कई बार ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं, तब से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर असली सोने के गहने बरामद कर लिए। दूसरा मामला दुर्ग थाने का है, जहाँ पे दो जोड़े पति पत्नी जो है वो लगातार बैंक ये अपने ज्वेलरी शॉप में जाके वहाँ पे नकली सोना देके असली सोना लेके बेवकूफ़ बना रहे थे। जब ज्वेलरी शॉप को मालूम चला, उन्होंने थाने में शिकायत की, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इन दो जोड़ों को पकड़ा गया। इन्होंने माना है कि इन्होंने दुर्ग रायपुर धमतरी में भी इस तरह की ठगी की है। इनसे पूछताछ में और भी जो है क्राइम्स के निकाल होने की संभावना है। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐप के जरिए
ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले के सेक्टर 1 के रहने वाले जयप्रकाश चौहान को आरोपियों ने बैंकों में डूबे गोल्ड को खरीदने का लालच दिया। इसके लिए उन्होंने इंस्टेंट मनी नाम का ऐप भी बना रखा था, जिसके जरिए वे शॉर्ट टर्म लोन का लालच देते थे। आरोपी पीड़ित का 40 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक भट्टी थाने का मामला है, जहां पे एक बीएसपी रिटायर्ड एम्प्लॉय से 40 लाख रुपए की ठगी की गई। उसको एक ऐप में शेयर पार्टनर बनाकर एक ऐप डाउनलोड कराया गया और कहा गया कि वो लोग बैंक में गिरवी रखे हुए सोना को सस्ते में खरीद के बाहर मार्केट में बेचेंगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अधिक लाभ और जल्द पैसा बनाने के चक्कर में बीएसपी एम्प्लॉय से धीरे धीरे करके 40 लाख की ठगी हो गई। मैं 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार में भी उनका एक अपराध उनके नाम पे नामजद है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और भी अपराध होने की संभावना है, पूछताछ की जा रही है। शहडोल के ब्योहारी थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घटना का जायजा लेने एटीजीपी डीसी सागर, कलेक्टर वंदना वैद्य सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बलिया पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। वहीं 109 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस अभी भी निगाहें बनाए हुए है। वहीं डीएम ने कहा कि बलिया रेलवे स्टेशन सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया गया है। 2 महीने तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। हमारे द्वारा 109 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर हमारी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगभग 300 ज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत है और अन्य जो तहरीर मिल रही है उन पर भी मुकदमा पंजीकृत करके एक जीआरपी द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई है उससे आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा। आज हम लोगों ने विभिन्न संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके सभी जगह भारी पुलिस बल का एवं मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है और सुबह 4 बजे से ही हम लोगों की पूरी ड्यूटी डिप्लॉयड है और सतर्क है। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद और क्षेत्र अधिकारी शिकोहाबाद कमलेश कुमार के नेतृत्व में मक्खनपुर पुलिस ने बाइक सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं क्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। वो बेटी का चौराहे से गुजरने वाला है, वहाँ पर पुलिस ने चेकिंग लगाई। चेकिंग में ये व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसका नाम है हिमाचल यादव। ये नगला खंगर का रहने वाला है। इस पर 15 से ज़्यादा जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और दक्षिण की एक रूप में ये वांछित चल रहा था, जिसकी 82 हो चुकी है। क्या कोई असला भी बरामद हुआ है सर? हाँ, इसके पास से एक 315 बुरका, अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसका अभियोग यही थाने में पंजीकृत था। सर, जो आपराधिक मामले हैं वो किस तरह के मामले सर इस पे अधिकतर जो आपराधिक मामले हैं वो जो है लूट के दर्ज है। अब खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार अब तेज हो गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी के साथ अब अरब सागर में भी मानसून की गतिविधियां तेज होने से ये ट्रैक पर आ गया है। वहीं भोपाल, जबलपुर, सागर संभागों में बीते 3 दिन से अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। अब अगले 48 घंटों में इन इलाकों में मानसून की भी बारिश शुरू हो जाएगी। भोपाल में रविवार सुबह से हल्की बारिश हुई, वहीं इंदौर के अधिकांश इलाकों में बारिश होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर में भी 21 जून तक मानसून की रंगत दिखने लगेगी, वहीं ग्वालियर में 24 तक और प्रदेश में 28 तक बारिश शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनके न्यूज़। नमस्कार।